शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मनाली पर्यटन की दृष्टि से देसी व विदेशी सैलानियों का पसंदीदा गंतव्य है। सैलानियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जहां प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग और भागीदारी की भी आवश्यकता है। वे मनाली में अटल टनल, साउथ पोर्टल और गुलाबा तक पर्यटन गतिविधियां विपरीत मौसम के दौरान जारी रखने के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन व पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 25 दिसंबर को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मनाली पधार रहे हैं और उस दिन एक जो बड़ा काम हमको करना है कि एक तो भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हिमाचल प्रदेश से और मनाली की प्रीणी से बहुत अपार स्नेह रहा है और उनकी एक भव्य प्रतिमा हम माल रोड पर स्थापित करने वाले हैं और उसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अपना निवास स्थान प्रीणी में है तो वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी करेंगे जिसमें सारे क्षेत्र के बहन भाई सब लोग उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, स्नो पॉइंट का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारी गतिविधियाँ लगभग अच्छे से रेगुलेट थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लगभग 2 वर्ष का जो समय बीता, जो कोरोना के कारण से जो समस्या आई और जिसके कारण से बीच में सारी दुनिया बंद हुई, कभी देश में लॉकडाउन लगा, कभी स्टेट में लगा, और जिसके कारण से ये बहुत यानी कि लगभग 2 वर्ष तक पर्यटकों का आना जाना भी बंद रहा और सारी गतिविधियाँ भी बंद रही और उसके कारण से बीच में कुछ कंटिन्यूटी में फ़र्क पड़ा है और इसलिए है कि अब फिर से पर्यटकों का आना प्रारंभ हुआ है और आजकल यह है कि अब लोग फिर से चाहते हैं कि वही सब सिस्टम रेगुलेट हो, तो उस सब के लिए आज भी हम इनसे बैठे थे और परसों भी लोगों ने कुछ समस्याओं को लेकर के अपनी बात सोलंग नाला में हमसे की थी और तब जाके मौके पर ही हमने उनका समाधान किया था और इसके पश्चात यह है कि सभी को हमने कहा है कि छोटा कमेटी इत्यादि का कोई गठन करके ताकि हर एसोसिएशन के जो अलग अलग इशूज़ हैं अब उनको क्या काम करने, तो वो सब के सब इशूज़ ध्यान में आए। और उस समय भी यह है कि देखिए बहुत सारा तो इश्यूज़ ये है कि जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, कुछ एक ये हो सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं, कुछ स्टेट लेवल के जो सरकार के स्तर के मुद्दे हैं उन सब का समाधान तो हम यहीं पर कर रहे हैं और करेंगे भी, कोई और भी होंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक विषय शायद ये हो सकते हैं कि जो NGT से संबंधित भी हैं तो जो कोर्ट कचहरी से संबंधित विषय उनको हम अलग से आइडेंटिफाई करके ताकि वहाँ पर हम ठीक प्रकार से लोगों का जो पक्ष है उसको रख सकें, तो इन बातों के लिए हमने आज भी मीटिंग भी की है और बातचीत हमारी जारी है। सिरिशाह के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।